नेशनल ह्यूमन राइट्स की टीम लगातार दूरदराज इलाकों में आउटरीच कर रही है। ये द्यालाचक कठुआ है और ढाली पंचायत घर है जहां ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। वाइस चेयरपर्सन नेशनल ह्यूमन राइट्स ने बताया कि जिस तरह गरीबों की जमीनें दबाई जा रही हैं या नाजायज पुलिस की तरफ से गरीबों को या डिप्राइव्ड लोगों को दबाया जाता है, या डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो हस्बैंड और वाइफ के बीच, या हमारे मानव अधिकार हो, इन सब को लेकर अवेयरनेस की जा रही है ताकि अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए सब लोग जो हैं वो लड़ सकें और उन्हें हासिल करें। बाकी जो चीजें अब खाली स्पोर्ट्स नहीं है, एजुकेशन है, बाकी सारी चीजें हैं उनमें इन्वॉल्व हो जाए ताकि वो ड्रग्स वगैरह से जुड़े रहे। थैंक यू सो मच। जाना है पूरा इंडिया में मैंने काम किया है, हर जगह जहां मैं लोगों की वो भाषा तक नहीं जानती थी मैंने उन लोगों के साथ भी काम किया है। मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी भी एक आदमी की भी हेल्प हो सके वो मेरे लिए गौरव की बात है। और जो हमारी लेडीज हैं वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें, इज्जत करें, तो खुद भी वो इज्जतदार होंगी और जो दूसरों की इज्जत करती हैं वो खुद अच्छे घर से बिलोंग करती हैं और अच्छे खानदान की होती हैं और इज्जत करनी चाहिए। लेडीज के साथ शाना बशाना चले, कहीं भी ऊंच नीच का फर्क मत करें। मैं अपने यहाँ में मेरे भाई बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करती हूँ कि आप किसी चीज की भी कमी या कुछ भी हो आप आगे आइए, आप मेरे साथ काम करिए, या मैं नहीं हूँ हमारे ह्यूमन राइट्स वाले हैं उनके साथ काम करिए। आप ह्यूमन राइट्स देखिए, ह्यूमन राइट्स क्या करता है दुनिया के लिए। मोदी जी के जो संस्कार है हमारे ह्यूमन राइट्स के अंदर है, ह्यूमन राइट्स का भी जो हमारी हाई अथॉरिटी है जिन्होंने हमें अपने आप को प्रूफ करने के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। गल की थी कि प्रोग्राम वाली करवाना थे, एक्चुअली उन्हें इमरजेंसी मैम पड़ी है कि उनके ना कोई प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने इस मिशन के बारे में सबको अवेयरनेस देनी है कि राइट्स जो मानवीय कार्य हुए इनका हर लेवल तक हर एक इंसान को जो जिस भी कोने में इस देश के रह रहा है, जिस भी काम में रह रहा है, उसको जो भी मुश्किलें आ रही है उसके बारे में आपने जागरूक करना है। और ये सारे लोगों का भी एक फर्ज बनता है कि हमें अवेयर होना जरूरी है। जैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी कहती है कि वन नेशन ग्लोबल फैमिली, अभी हमारा G20 का एक ही मोटिव है, उन्होंने लोगों ने दिखाया वन नेशन वन फैमिली। तो वर्ल्ड लेवल पर हम सब इकट्ठे हैं, वसुधैव कुटुंबकम। तो इनका भी हमारा यही मिशन है नेशनल ह्यूमन राइट्स का कि हम सारे लोग एक ही है, किसी भी इंसान को अगर कोई दुख तकलीफ होती है हम उसके निवारण के लिए आगे आना चाहिए विदाउट एनी कास्ट कलर क्रीड, किसी की भेदभाव के बिना। हमें ये देखना कि इस समाज को आगे कैसे ले जाएंगे, बेहतरी इंसानियत की कैसे हो जाएगी, हमने अपने जो इंसानियत के फर्ज है उनको निभाना है। तो ये हमारा ये मिशन, इस मिशन के साथ क्योंकि ये नहीं है कि ये सरकारी गैर सरकारी हर बंदा जुड़ सकता है, इस मिशन में ये नहीं है। ये है एक ऐसी संस्था है कि जहां पर इंसान अपने आप को लगा सकता है कि हम समाज की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी, सोसाइटी की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं। यूटी लेवल पर, नेशनल लेवल, इवन के ये फैमिली ग्लोबल है, वर्ल्ड वाइड फैमिली है, ये हर जगह पर होती है। और गवर्नमेंट का कोई भी बड़ा ऑफिसर उनके पास जाके राम गोपाल जी, इन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम रखा है और हमें बुलाया गया है। मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपने लोगों में आके हम लोगों को ये बताएं कि ह्यूमन राइट्स क्या है, हमारे हकूक क्या है, हमारे हक क्या है। कई जगहों को लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं है कि हमारे हक क्या है, हमारे हकूक क्या है। इसलिए आज हम यहाँ पे आप सभी लोगों से ये कहते हैं कि किसी चीज़ की भी कमी पेशी कुछ भी हो आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, आगे आ सकते हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, कई जगह पे लोगों को पुलिस बहुत तंग करती है, जिनकी सुनवाई नहीं होती है, जानबूझ के अंदर करती है, उनके ऊपर जुल्म करती है,
तो वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं उन बहनों भाइयों बच्चों के लिए आगे लड़ सकती हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है, कि किसी के साथ इतना जुल्म क्यों होता है, क्या कोई गरीब है इसलिए उसको दबाया जाता है, या कहीं पे किसी की वायलेशन होती है, या किसी की जमीन जबरदस्ती ली जाती है, हम लोग वहां भी लड़ सकते हैं, या कहीं पे हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, हमारी लोक अदालत संडे को लगती है, वो फैसले भी हम कर सकते हैं। इतनी सुविधाएं रखी है कि हर जगह बिजली पानी वॉशरूम्स वगैरह सबके लिए मुहैया किए गए हैं। कई जगह पे अगर अभी भी लाइट्स वगैरह नहीं है या वहाँ पे पानी नहीं है, आप आगे आ सकते हो, हमें बता सकते हो, पहले खुद करो, अगर आपका कोई सुनवाई नहीं होती है हमें बताओ, हम ह्यूमन राइट्स आपके शाना बशाना आपके साथ चलते हैं, और आपकी समस्या जो भी है हम आपके साथ हैं। मैं अपने ह्यूमन राइट्स का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है।